सबसे पहले मैंने सराइकी फिल्में की हैं, फिर सराइकी सॉन्ग किए हैं। मुझे स्टेज का बहुत शौक था, मैडम नरगिस को मैं देखती थी। स्टेज मुश्किल है क्योंकि लाइव काम होता है, इस पे गलती की गुंजाइश नहीं होती। असा पक्के ढोले थे तो ढोला साडा आपन है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सब अच्छे एक्टर हैं, मेरा दिल करता है मैं सबके साथ काम करूं। बड़े वैसे ही ये स्टेज वालों को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर स्पेशल में आपका मेज़बान खिज़र अब्बास। आज हम गुजरांवाले में मौजूद हैं, जहाँ पे मेरे साथ खूबसूरत अदाकारा, एक अच्छी इंसान, और गुजरांवाला में वो पहली दफ़ा आगे परफॉर्म कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं फराह खान, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने कब शोबिज का आगाज किया और कैसे शोबिज में हैं ये बताएं। जी मुझे हो गए हैं 4 साल इस फील्ड में, 4 से 5 साल हो गए हैं। सबसे पहले मैंने सराइकी फिल्में की हैं, फिर सराइकी सॉन्ग की हैं। उसके बाद मुझे स्टेज का बहुत शौक था, मैडम नरगिस को मैं देखती थी कि मैंने कहा मैं एक दिन मैडम नरगिस की तरह मतलब काम करूंगी। तो बहुत ज्यादा शौक की वजह से मैं इस फील्ड में। ऐसा ही क्योंकि हर लड़की ये कहती है कि मैं मैडम नरगिस को देख के इस फील्ड में आई हूँ, आप भी उसी तरह ही, इसकी क्या वजह? मैडम नरगिस बहुत अच्छा काम करती हैं, उनकी मूवमेंट मुझे बहुत पसंद है, और रेयर बात है कि वाकई ही मैडम नरगिस को मैं देखती हूँ। अच्छा, सराइकी से आप जब थिएटर में आई तो यहाँ पे पंजाबी, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होती होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मतलब सराइकी सॉन्ग करती रही हूँ, फिल्में करती रही हूँ, पंजाबी मुझे आती है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, पंजाबी और सराइकी के बारे में एक उमर शरीफ साहब का है कि मैंने सराइकी सीखने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं सीख सका, कि ये जुबान बड़ी मीठी होती है, लोग मीठे नहीं होते, इसकी क्या वजह? नहीं, लोग भी मीठे होते हैं, उनकी जुबान अगर मीठी है तो लोग भी मीठे हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने फील्ड के बारे में, तो पहला स्टेज ड्रामा आपने कब किया और जब आप स्टेज पे आई तो कैसा लगा? जी मैंने पहला स्टेज ड्रामा किया था बहावलपुर अबासिया थिएटर में, तो मुझे पहले जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी, लेकिन काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया था। फिल्म मुश्किल है या स्टेज? स्टेज मुश्किल है क्योंकि लाइव काम होता है, इस पे गलती की गुंजाइश नहीं होती। ज्यादा मजा आपको स्टेज पे आ रहा है या फिल्म पे आ रहा है? स्टेज पे भी आ रहा है और फिल्म में भी आया है। नहीं, इसमें तो नहीं, ये तो आपने जवाब ऐसा दे दिया ना कि स्टेज में भी फिल्म में, एक कुछ जिसमें ज्यादा, मैंने लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया कि ज्यादा मजा आपको फिल्म करने में आता है या स्टेज करने में? फिल्म करने में। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि मींस कि ऐसा होता है कि लोकेशन वगैरह चेंज होती है, फिर उसमें हम टीवी पे आते हैं, स्क्रीन में सबके सामने आते हैं, ये लाइव काम है, वो ये है कि हम मतलब मूवी में होते हैं। अच्छा, सराइकी फिल्म हमारे यहाँ इतनी देखी नहीं जाती जी, तो किस तरह फिर वहाँ के लोग जो आर्टिस्ट हैं वो मर्जे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि कोई सिनेमा जो है उधर का सिनेमा भी उनको इतनी ज्यादा जगह नहीं देता, पंजाब का भी नहीं देता, सरहद का भी नहीं देता, सिंध का भी नहीं देते। जी ऐसे है, बिल्कुल उनको नहीं देते हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है, मैं अगर रावलपिंडी में भी चली जाऊँ तो सराइकी सॉन्ग चल रहे हैं, अगर गुजरांवाला है तो यहाँ भी सराइकी सॉन्ग चल रहे हैं, एक लाहौर ही है जहाँ मतलब बहुत कम है सराइकी, अब तो सराइकी हर जगह चल रहा है। नहीं, लाहौर में भी सराइकी सॉन्ग चलते हैं, सराइकी पसंद की जाती है, तो आपको सराइकी का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो पसंद है कि जो आप कहती हैं कि मैं बार बार वो स्टेज पर सुनता हूँ? नहीं, सॉन्ग तो काफी सारे पसंद हैं, एक ऐसा है, एक मतलब ये है असा पक्के ढोले थे तो ढोला साडा आपन है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, आपकी जो पता, जहाँ तक नाज़रीन आपको बताते चले कि फराह के साथ साथ इनकी तीन सिस्टर, दो सिस्टर और भी हैं जो कि इस फील्ड में हैं, तो थोड़ी देर में हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा फराह, एक फैमिली में तीन लोगों का आना इस फील्ड में, तो आया कि फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हुई थी बिल्कुल, पहले ये था कि हमारी फैमिली को पता ही नहीं था, मींस कि हमारे जो रिश्तेदार हैं सिर्फ एक मम्मा को पता था, ना बाबा को पता था, ना घर वालों को, किसी को भी नहीं पता था, ये हमने चोरी काम शुरू किया था। अच्छा, जब पता चला पहली दफा जब आपने काम शुरू किया तो उस वक्त क्या फीलिंग थी हम लोगों को? जी उस वक्त ये थे कि बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी थी हमें, फिर ऐसा हुआ था कि जो रिश्तेदार वगैरह हैं ये सब नाराज हो गए थे, कुछ अभी भी नाराज है, नहीं बोलते हैं तो बस नहीं बोलते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, शोबिज में आगे काफी लोग आपसे नाराज हुए, आपके रिलेटिव नाराज हुए, आप जैसे कह रहे हैं कि अगर वो नाराज है तो हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी क्या वजह है कि वो नाराज क्यों होते हैं? नाराज वो होती है कि वो शायद समझते हैं कि ये फील्ड में काम क्यों कर रही है ये वो, लेकिन उनको नहीं पता है कि मतलब हमें अच्छा लग रहा है तो हम काम कर रहे हैं ना, हमारा टैलेंट है तो हमें काम करना चाहिए। अच्छा, पर एक और चीज यहाँ पे फील्ड में बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे एक दूसरे की टांगे बहुत खींचती हैं,
वो आप तीन बहनें, बहनों की आपस में बनती भी बहुत कम है, आप एक दूसरे जेलस नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती है। वो बहनें हैं कि एक दूसरे को ऊपर करती है, मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये मेरी बहन ऊपर ज्यादा ऊपर जाए, वो जो मुझसे छोटी है वो कहती है नहीं ये ऊपर जाए, वो तीसरी है जो वो कहती है ये ऊपर जाए। अच्छा, हम मिलके काम करते हैं। तरतीब भी बता दें कि बड़ी कौन है, छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन जी? मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोमल खान है। सबसे पहले फील्ड में कौन आई? सबसे पहले फील्ड में मैं ही आई। अच्छा, दरमियान वाला बंदा पहले आया, बाकी को फील्ड में आप लेकर आई जी, ऐसे समझ लें। अच्छा, पर किस डायरेक्टर के साथ काम करके आपको ज्यादा अच्छा लगा थिएटर में? जी डायरेक्टर साहब थिएटर के डायरेक्टर हैं, मैंने काम किया, असल में मैं पट्टी आउटडोर करती रही हूँ काम, तो ये अकबर ब्लो साहब हैं जो मतलब बहुत अच्छी डायरेक्शन देते हैं, बहुत अच्छा काम लेते हैं, तो इनके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया। एक बहावलपुर के हैं टीशा साहब, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आगे हमारे एक उस्ताद भी हैं डॉक्टर अजमल साहब, जिनका मैंने फर्स्ट प्ले किया था, और उन तो जाहिर सी बात उनका बहुत ज्यादा नाम है, आपको भी पता है। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि आपको इस फील्ड में मुतारफ कराने वाले, लाने वाले डॉक्टर अजमल मलिक हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई झूठ तो नहीं होगा? जी बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल उनका फर्स्ट प्ले मैंने किया था बहावलपुर में। अच्छा फरा, आगे क्या सोचा होगा कि आगे अपने आप को आप थिएटर और फिल्म से हटके कोई बड़ी फिल्म, पंजाबी फिल्म या उर्दू फिल्म करने का भी इरादा रखती है? जी मुझे अगर उर्दू फिल्म में, पंजाबी फिल्म में काम करने का मौका दिया जाएगा तो इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। किस आर्टिस्ट के साथ, स्टेज के किस आर्टिस्ट के साथ काम करने का दिल करता है कि मैं उसके साथ काम करूँ? मुझे तो सब अच्छे एक्टर है, मेरा दिल करता है मैं सबके साथ काम करूँ, बड़े एक्टरों के साथ काम करूँ। नहीं, फिर भी कोई एक आध होता है ना कि यार उस डायरेक्टर के साथ मैं काम करूँ तो ज्यादा मजा आएगा, और उस आर्टिस्ट के साथ काम करूँ तो ज्यादा। जैसा कि नसीम विक्की हैं, नासिर चुनौती हैं, ये बड़े एक्टर हैं, इनके साथ काम करूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाहौर में कभी काम किया है? जी लाहौर में मैंने काम किया है, आज से 3 साल पहले कजाफी में किया है, उसके बाद मैंने नाज थिएटर में किया है, डॉक्टर अजमल साहब का ड्रामा था, और संगम थिएटर में भी काफी प्ले किए हैं जो कोट अब्दुल मालिक में है। अच्छा, देखा जाए तो आपने मुल्तान, बहावलपुर, अब गुजरांवाला, उसके बाद पिंडी में भी किया होगा और लाहौर में भी किया, कहाँ की पब्लिक आपको अच्छी लगी है? पब्लिक तो मुझे तकरीबन सबकी अच्छी लगी है, मैंने अगर किया है बहावलपुर तो वहाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, पब्लिक ने बहुत ज्यादा लाइक किया है, ठीक है अगर मैंने मुल्तान काम किया है तो वहाँ पब्लिक ने बहुत लाइक किया है, पब्लिक बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, बहुत अप्रिशिएट करती है, उसकी वजह यह है कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इस फील्ड में ये भी होता है कि स्कैंडल बनते हैं, आपका अब तक कोई स्कैंडल बना? जी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें आप मुस्कुरा दिए, लगता कुछ है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ये स्क्रीन के सामने तो आप नहीं छुपा रही ये सारी चीजें, पता तो चल जाता है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोडक्शन में किस तरह आई है? जी अभी दरअसल मुझे बहुत ज्यादा शौक था कि मैं ना अपना ड्रामा खुद करूँ, मतलब कि प्रोड्यूस करूँ, तो ये इधर मैंने अभी प्रोड्यूस मैं खुद कर रही हूँ इस ड्रामे की, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, तो इनशाला आगे भी मैंने काफी सारे प्ले करने हैं, मैं भी मैं करती हूँ, मैंने करना ही प्रोड्यूस, अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपना ड्रामा खुद ही प्रोड्यूस करूंगी। अच्छा, आखिर में हमारे जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक मैसेज और एक और सवाल जो है वो ये कि टीवी जी जी हमारी फील्ड में बहुत अच्छा उसको समझ जाते हैं इस फील्ड में, और इस वक्त जो मेन के ज्यादातर जो इज्जत वाले रिस्पेक्ट है कि थिएटर वालों को भी लोग अच्छा नहीं समझते, फिल्म वालों को भी अच्छा नहीं समझते, टीवी वालों को इन दोनों की नस्बत अच्छा समझते हैं, तो टीवी करने का इरादा रखती है या नहीं? जी बिल्कुल रखती हूँ, क्यों नहीं रखती हूँ। वैसे ये स्टेज वालों को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लोग बुरा पता नहीं क्यों समझते हैं, मुझे समझ नहीं आई, जब इनके स्टेज वालों के साथ मिलके बैठेंगे, देखेंगे इनको, तो इनको पता लगेगा कि इनके दिल कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन लोग इनको अच्छा नहीं समझते हैं। मैं ये मैसेज भी दूंगी कि ऐसा मत समझे कि ये स्टेज वालों के अंदर दिल नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं और दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। कभी किसी से प्यार हुआ? लो ये फिर वही सवाल आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, पहला सवाल तो ये सब स्कैंडल, अब मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मेरी सहाफत का जहाँ तक है कि हर लड़की जो इस फील्ड में है उसको होता जरूर, छुपाती भी है, बाद में पता भी चल जाता है। जी मैं बताती हूँ मुझे किससे प्यार है, मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे अपने वालदैन से प्यार है, मुझे अपने बहन भाइयों से प्यार है बस। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैं अपने नाज़रीन को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि स्टेज वाले लोगों को प्यार करें, ठीक है, उनको बुरी नज़र से मत देखें कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप उनके बारे में बुरा भला मत कहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान खिज़र अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।